अभी प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया है अनुराग, और एनडीए में देश में पहला स्थान, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं और कैसी तैयारी की इन दोनों चीजों की आपने? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, खासतौर पे जो आर्मी में जाना चाहते हैं? हालांकि अब तो अग्निवीर जैसी योजना है, क्या कुछ कहेंगे अग्निवीर जैसी? आप तो अधिकारी बन जाएंगे, और जो बाकी के युवा हैं जो तैयारी करते हैं फौज के लिए, अग्निवीर योजना को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ है? फिटनेस के लिए मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगा। एंट्रेंस एग्जाम कब दिया था और आपको कब लगने लगा था कि मुझे एनडीए के लिए जाना है? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है, अनुराग सागवान। ये चरखी दादरी के रहने वाले हैं और बीते काफी समय से गुरुग्राम में शिफ्ट हैं। इनके पिता लंबे समय से गुरुग्राम में शिफ्ट हैं। अपने बेटे को इस मुकाम पर देखने के लिए, पढ़ाई अच्छी कराने के लिए चरखी दादरी से गुरुग्राम में शिफ्ट हुए थे, और आज बेटे ने एनडीए में पहला स्थान प्राप्त किया है देश भर में। हमारे साथ मौजूद है अनुराग। अनुराग, बहुत बहुत मुबारक पहले तो इस उपलब्धि के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी देश के लिए जो सेवा के लिए जो पेपर होते हैं उसमें एक अच्छा स्थान प्राप्त होता है, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर। अभी प्लस टू का रिजल्ट नहीं आया अनुराग, और एनडीए में देश में पहला स्थान, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं और कैसी तैयारी की इन दोनों चीजों की आपने? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं 12th अपियरिंग में था, तो अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है। और रही बात तैयारी की, तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहूंगा कि एनडीए जैसे पेपर की तैयारी के लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी होती है और सही दिशा चाहिए होती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं तो सब कुछ संभव होता है। कैसे मेहनत की, कितने घंटे मेहनत की, कैसे तैयारी की एनडीए के लिए, और प्लस टू के भी एग्जाम साथ के साथ थे, दो नावों में एक साथ चल रहा था सवार होकर अनुराग? मैं इस बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि आर्मी भी आपसे यही डिमांड करती है कि आप कैसे अलग अलग चीजों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही होता है कि आप आर्मी की तरह एक लाइफ जीने की कोशिश करो। यहाँ तो स्ट्रेस बहुत कम होता है, वहां आगे चल के तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और रही बात पढ़ने के टाइम की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई के टाइम से ज्यादा ये मायने रखता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अगर आप 2 घंटे में भी 4 घंटे का काम निकाल लेते हो तो आपको 4 घंटे पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है, आपको 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मुकाम और जो लक्ष्य आपने सुबह निर्धारित करा है, अगर उसे आप रात से पहले हासिल कर पाते हो तो फिर पढ़ने का समय मायने नहीं। एंट्रेंस एग्जाम कब दिया था और आपको कब लगने लगा था कि मुझे एनडीए के लिए जाना है? सर, 4 सितंबर 2022 को हमारा एनडीए का रिटर्न एग्जाम हुआ था। और सर, रही बात सपने की, तो ये कहीं ना कहीं बचपन में ही ये बीज मेरे अंदर आ गया था कि मुझे देश की सेवा करनी है और एनडीए में जाना है। कितनी उम्र थी जब आपने सोचा था कि मुझे आर्मी में या फिर देश की सेवा के लिए जाना है, खासतौर पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करनी है? सर, ये कहीं ना कहीं 4th क्लास में ऐसा आभास हुआ था जब एक दो बार मैं गांव गया था और मैंने गांव में कुछ शहीदों के स्मारक देखे थे, तो अंदर से एक अलग ही भावना का उत्सार हुआ था कि हाँ, देश के लिए सेवा करनी और देश के लिए कुछ करके दिखाना। कौन कौन से ऐसे सैनिक थे और आपके जिस गाँव से आते हैं, क्या वहाँ पे सैनिक हैं? सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी चरखी दादरी और भिवानी के साइड की पूरी बेल्ट ही सिर्फ फौज में जवानों के लिए और ऑफिसर्स के लिए जानी जाती है। हमारे वहाँ के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो बहुत हाई रैंक्स तक पहुंचे, और शायद मैं ये तक कह सकता हूँ कि शायद हमारा गांव ऐसा है जहाँ हर फैमिली से एक ना एक ऑफिसर है, तो वो एक कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर था कोर्सेज को ज्वाइन करने। अच्छा, आपने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया, पास किया उसको, फिर SSB के लिए जाना था, और जनवरी के अंदर आप बता रहे थे कि जनवरी के लिए अपने ट्रेनिंग के लिए वहां पे गए थे 11 या 13 दिन की, और एग्जाम आपके प्लस टू के मार्च में थे, तो कैसे इन चीजों को मैनेज किया? बस अगर आप समय को सही से मैनेज कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, उसमें आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और शायद कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग ही आपको स्ट्रांग बनाता है। परिवार का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा था कि एनडीए के लिए तैयारी करनी है? सर, परिवार बहुत ही खुश था क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं पहले से कि मैं इस दिशा में जाने को बहुत राजी हूँ और तैयार हूँ, तो परिवार ने पूरा सपोर्ट करा था। सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था? मदर थे, फादर थे, दादा दादी भी आपके बहुत खुश हैं इस उपलब्धि को देखते हुए? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवार किसी एक या दो इंसानों से नहीं बनता, शायद सभी के मेल से ही पूरी होती हैं चीजें, और शायद मेरे पिताजी का अपना एक नजरिया और एक अपना हिस्सा था इस तैयारी में, और माता जी का भी एक अलग ही हिस्सा था। वो कभी भी एक दूसरे को, तो यानी वो तोले नहीं जा सकते एक दूसरे के। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आपके प्रिंसिपल ने भी आपको कहा कि अनुराग बेटा, आपके प्लस टू की तैयारियां हैं, दो नामों में पैर रखकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन अनुराग ने दोनों को करके दिखाया। सर, मैं ब्लूवेल्स मॉडल स्कूल से मैंने 10वीं करी है और वहीं से मैंने अभी 12वीं करी है। सर, स्कूल का भी काफी हद तक सपोर्ट था, ऑल्दो इनिशियली उन्हें लगा, बट उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था मेरी प्रिपरेशन। अब कैसा देखते हैं इस उपलब्धि के बाद, क्या कुछ करने जा रहे हैं अनुराग,
कितना वक्त लगेगा और एनडीए के लिए जाने के लिए आपको? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जून के आसपास हमारी कहीं ज्वाइनिंग होती है, तो बस मैं आगे चल के भी पूरी मेहनत करके वहां भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। एनडीए के लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं आप, ट्रेनिंग के लिए किस तरह से खास तौर पर तैयारी कर रहे हैं? सर एनडीए की ट्रेनिंग में हमें फिजिकल फिटनेस भी चाहिए होती है और मेंटल फिटनेस भी चाहिए होती है, तो मैं दोनों चीजों पे साथ में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना रनिंग करते हैं, कितना खुद को फिजिकल फिट करने के लिए क्या कुछ करते हैं, एक बार बताएं हमें। सर फिटनेस के लिए मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था सर सुबह सुबह, तो 5 किलोमीटर की जो रन होती थी वो सफिशिएंट होती थी आपकी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने। एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, कैसे ये दिमाग में आया कि मुझे एनडीए के लिए जाना है, और एंट्रेंस ट्रेनिंग के लिए टेस्ट देने के लिए कहाँ पे ट्रेनिंग की? सर रिटन के लिए जो मैंने प्रिपरेशन की वो डिफेंस वाला के थ्रू करी थी, जो फिजिक्स वाला का एक सब्सिडरी प्लेटफॉर्म है जो अलग सर ने चलाया हुआ है, उसके थ्रू मैंने रिटन की प्रिपरेशन करी थी, और एसएसपी इंटरव्यू के लिए मैं नटराजन सर के पास नागपुर गया था। अच्छा क्या कहना चाहेंगे युवाओं को खासतौर पे जो आर्मी में जाना चाहते हैं, हालांकि अब तो अग्निवीर जैसी योजना है, क्या कुछ कहेंगे अग्निवीर जैसी, अब तो अधिकारी बन जाएंगे, और जो बाकी के युवा हैं जो तैयारी करते हैं फौज के लिए, अग्निवीर योजना को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ है? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि फौज को नौकरी के नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फौज एक देश की सेवा के लिए अपना समर्पण होता है। और रही बात अग्निवीर या किसी और भी स्कीम की, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा अगर देश का युवा देश सेवा की प्रेरणा लेते हुए और देश सेवा की भावना को मन में रखते हुए फौज में जाते हैं, तो जरूर हमारी फौज एक अलग मुकाम पे पहुंच सकेगी। शुक्रिया अनुराग। तो ये हमारे साथ अनुराग थे, अनुराग सागवान, जिनका साफ तौर से कहना है कि बचपन से ही वो बीज गांव से ही इनके अंदर आया था। ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत सारे ऐसे सैनिक परिवार हैं, ऐसे शहीद परिवार हैं जिनके स्मारक देखकर ये बच्चा, इसने मन में ठाना था कि मुझे देश सेवा करनी है, और आज इसने वो जो सपना था जो चौथी क्लास में इसने देखा था वो सपना सच करके दिखाया, और देश भर में एनडीए की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।